नमस्कार साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 3 तारीख दिन शुक्रवार, केसरपुर मंडी। दोस्तों, दुकान नंबर 24 सर जी के पास जो है देसी औरंगाबाद वाला टमाटर है। बाकी पता करते हैं, और देसी के अलावा इनके पास क्या क्या था। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए सर जी। आज जो है देसी औरंगाबाद आपके पास क्या रेट बिका सर? ये लाट बाई लाट आता है, वहाँ से बनके किसानी सौदा होता है, जो व्यापारी खरीद के वहाँ से भेजता है। जैसे लाट होता, जैसे क्वालिटी होती, उसी हिसाब से बिकता है। ये आज का भाव इसका है 250 रुपये से लेके 320 रुपये तक, ठीक है सर। और बारिश होने के कारण जो है पोजीशन डाउन है, रेट टूटा सर, रेट टूट गया है। काफ़ी व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं टमाटर का, उनको काफ़ी लॉस हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर का जो किराया बढ़ गया है, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ट्रांसपोर्टर का किराया इसलिए बढ़ा है कि डीजल का दाम बढ़ गया है, इसकी अपेक्षा जो है व्यापारियों के ऊपर जो है काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोड पड़ा है, नुकसान काफ़ी नुकसान हो रहा है। 220 रुपये क्रेट किराया पड़ता है, अगर वहाँ से 100 रुपये भी टमाटर भरा जाता है तो 40 रुपये वहाँ का खर्चा है। और 120 का टमाटर हो गया, 100-120 का, और 220 रुपये किराया, 340 रुपये 30 रुपये पड़ता है, और 300 रुपये बिकता है, तो कम से कम 40-50 रुपये क्रेट का, प्रत क्रेट गाड़ी में नुकसान होता है। जो गाड़ियों में 600-650 नग होते हैं, उस हिसाब से कम 20-25 हज़ार प्रति गाड़ी नुकसान होता है। अभी सर फिलहाल जो है क्या रेट बिकना चाहिए था, जो बेनिफिट टमाटर ये 370-380 रुपये बिकता तो व्यापारी को 10-20 रुपये क्रेट प्रॉफिट होता, अब व्यापारियों को कम से कम 40-50 रुपये क्रेट का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी उम्मीद है सर आगे मार्केट उठने का? आगे मार्केट देखिए कि बारिश अगर इसी तरह रहेगा, बारिश में माल जो भर के आता है वो डैमेज हो जाता है कुछ, और जो कस्टमर यहाँ से ले जाते हैं वो भी व्यापारी यानी बाजार नहीं लग पाती बारिश के कारण, तो उनका सेल सही ढंग से नहीं हो पाता है। जब आगे सेल सही ढंग से नहीं होता है तो मार्केट में उस वजह से उठान कम हो जाता है, ठीक है सर। सर ये जो है टमाटर जो इतना रेट डाउन जा रहा है पीछे से तो खरीद महंगा आ रहा है, लेकिन रेट मंडी में डाउन जा रहा है, कारण क्या सर इसका? मंडी ज़्यादा माल मतलब खेती ज़्यादा हो गया या क्या हो गया सर? नहीं, किसान देखो टमाटर इस बार ज़्यादा नहीं है क्योंकि क्वालिटी सही नहीं आ रही बारिश के कारण, इस वजह से जो है डाउन जा रहा है। और जो क्वालिटी भी है तो डाउन के कारण, जो क्वालिटी हल्की उसके कारण क्वालिटी की वजह से अच्छी क्वालिटी भी पिटाई हो रहा है उसका भी साथ में। जैसे काफ़ी लोग कहीं पे गंदे इकट्ठे हों और कहीं सही भी हों तो वो भी गंदे ही गिने जाते हैं, उसी में गिने जाते हैं। और मंडी की साफ सफाई नहीं हो रही, काफ़ी कीचड़ है मंडी के अंदर। दोस्तों देख सकते हो ये कीचड़ भरा हुआ, थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है इसमें लेकिन कीचड़ पूरा भर जाता है। देखो यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है सही ढंग से मंडी के अंदर, केशवपुर मंडी से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे साफ सफाई का व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, APMC कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इस वजह से कस्टमर मंडी के अंदर आने में जो है, जो अच्छे कस्टमर है वो मंडी के अंदर नहीं आते हैं, खतराते हैं मतलब। हाँ, इस वजह से भी मार्केट का पोजीशन काफ़ी डाउन है, और जो व्यापार करने वाले हैं उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, ठीक है सर। बिल्कुल सफाई नहीं हो रही मंडी की। दोस्तों मंडी के जो सफाई कर्मचारी उनसे गुजारिश है, जो यहाँ पे जो है थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दें, जिससे मतलब व्यापारी भी अपना सौदा बेच सके और जो खरीददार है वो भी मंडी के अंदर आ सके। देखो ये पीछे क्या हाल है, पूरा कीचड़ हो रखा है, इस वजह से काफी लोग बीमार भी हैं। इस वजह से मंडी के अंदर काफ़ी लेबर जो है या कोई आता है वो इस गंदगी के कारण बीमार भी हो जाता है, स्मेल के वजह से स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होता, इतने स्मेल में बैठे हैं। व्यापार है किसानों या व्यापारियों को जो माल आता है उसको बेचना हम लोगों को होता है, क्योंकि अगर नहीं बेचेंगे तो एक दिन के अंदर ये सौदा सब खराब हो जाएगा, और जो कुछ मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दोस्तों टमाटर का जो सौदा होता है ये जितना जल्दी बिक जाए उतना ही ठीक रहता है, उतना रेट भी अच्छा मिलता है। अगर बैलेंस रह गया माल तो इसका रेट टूट जाता है, एक तो ये अंदर से घुल जाता है जल्दी, और आने में भी जो है जहाँ से टमाटर आता है वहाँ पे भी टाइम लग जाता है, तुराई में, फिर रास्ते में,
और मंडी में आते आते कई दिन लग जाते हैं, जैसे 2-3 दिन जितना लंबा रास्ता रहता है उतना ही मतलब टाइम लगता है, तो इसी वजह से भी कुछ रेट नहीं मिल पाता, क्वालिटी भी हल्का हो जाता है और बारिश वारिश हो गया तो उसमें भी और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सर इसके अलावा और भी कुछ आता है आपके पास औरंगाबाद के अलावा? औरंगाबाद के बंगलोर से भी आता है, नारायण गांव से भी टमाटर हाइब्रिड आया था जो 320-330 रुपये बिका है और उसमें काफ़ी लॉस हुआ है व्यापारी को, क्योंकि वहाँ से 9 रुपये किलो पैकिंग हुआ था, 8 रुपये किलो का खाली किराया लग जाता है और बिका कितना 320-330 रुपये, 400 जब बिकता तो व्यापारी का पैसा पूरा हो जाता, तो 70 रुपये क्रेडिट नुकसान हुआ। गाड़ी में 300-650 जाली आती है तो 70 के हिसाब से आप गुणा कर लीजिए कि कितना नुकसान है, और डेली अगर उसको इसी तरह नुकसान हुआ तो क्या व्यापार करेगा, लोग बंद कर देते हैं, फिर तेजी आता है तो यहाँ चिल्लाने लगते हैं तेजी हो गया तो फिर किसान परेशान हो जाते हैं सर। किसान देखो वहाँ रहते अगर नुकसान होगा तो फिर तो वो तो खेती नहीं करेंगे, फिर महंगाई बढ़ेगा। देखो महंगाई, किसान जो चीज ज्यादा लगा देता है वो मंदा हो जाता है, और जब मंदा हो जाता है तो अगले साल किसान उस फसल को नहीं लगाता है, जब अगले साल उस फसल को नहीं लगाता है तो उसका डिमांड जब बढ़ता है तो महंगाई हो जाता है, तो उस पर क्या इल्ज़ाम होता है कि कभी किसी इसकी गवर्नमेंट है इसलिए तेज हो गया, कभी कुछ लगाते इल्ज़ाम तो लगाना आसान होता है, लेकिन उसको सोच के समझ के अगर सही ढंग से सोचा समझा जाए क्यों महंगा होता है क्यों डाउन होता है, तो इसका कारण ये है, एक साल जो सामान तेज होता है अगले साल किसान जो है सारे वही चीज लगा देते हैं, जो वैरायटी जिन साइड टमाटर है या कोई सब्जी है, हर कोई सोचता है जो मतलब अगले हाँ ज्यादा रेट बिका है वही चीज लगाए, एक ने कमाया तो दूसरा बताता अपने रिश्तेदारों को गांव वालों को तो डबल ट्रिपल लग जाता है, तो अगले साल उसका दाम आधा हो जाता है, जब आधा हो जाता है हाँ तो वो सही ढंग से सेल नहीं हो पाता है मार्केट में ज्यादा आने के कारण, तो इसलिए अगले साल फसल वो बोना कम कर देता है, फिर तेजी हो जाती है, यही कारण है तेजी और मंदा का, और कोई कारण नहीं है। हाँ फसल हिमाचल वाला भी आता है, हिमाचल का यानी समय जो है शिमला का खत्म हो चुका, लास्ट गाड़ियाँ आ रही हैं जो लगभग 2-4 चक्कर ही आने का अब रह गया है। अच्छा, 2-4 चक्कर हाँ, बाकी इस बार हिमाचल वालों को भी सही ढंग से रेट नहीं मिल पाया है, क्योंकि बारिश भी रहा और कुछ माल ज़्यादा भी रहा, इस कारण से रेट नहीं मिल पाया, और कुछ दिल्ली के अंदर जो है मार्केट जो लगनी चाहिए रेड़ी पटरी वाले जो गरीब आदमी गली में रेड़ी लगा के पटरी ला के अपने जीवन गुजारा करते थे उनको नाजायज तरीके से यानी बहुत तंग किया गया है इस बार, और उनकी रेड़ी लगाने नहीं दिया, पुलिस वालों ने भी जो चाहे ऊपर से आर्डर हो या किसी तरह हो उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है, और मार मार के रात को 8 बजे के बाद भगा देते हैं, तो सब्जी लेने तो लोग रात को जाते हैं, अब जब मार के भगा दिया तो जो टमाटर ले गया वो अगले दिन उसका बेचारे का सड़ गया तो मंडी का कर्जाई हो गया, उधार ले जाते हैं बंदे जो गरीब आदमी है, तो अगले दिन अगर आएंगे तो यहाँ मंडी में लोग पकड़ेंगे आड़ती सभी, तो डर के मारे तो गाँव भाग गए या तो घर में बैठे हैं बेचारे, ठीक है। और रेड़ी पटरी वालों को इतना नाजायज नहीं तंग करना चाहिए था जिस तरह इस बार तंग किया गया है, और दुकानों पे कोरोना नहीं होता, खाली रेड़ी पे कोरोना होता है गरीब आदमी के जो दिन भर मेहनत करता है, और जो अच्छे शराब का ठेका वहाँ लाइन लगा के खड़े होते हैं वहाँ कोरोना नहीं है, और जो हाँ जो रेड़ी का टमाटर का सब्जी का रेड़ी बेच रहा है दिन भर मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए तो उसके लिए कोरोना है, उसको डंडा मारा जा रहा, उसके गैस तोड़ दिए जाते, उसकी रेड़ी पलट दी जाती है, तो ये सब अत्याचार हो रहा है दिल्ली के अंदर, सही काम नहीं हो रहा। अब चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो या कौन भ्रष्ट है इसमें, कौन देख रहा है कौन इस तरह कर रहा है वो तो देखो हम लोग बता नहीं सकते, किसी को पे इल्जाम नहीं लगाते हैं जी जी। लेकिन ये सरेआम नाजायज है गरीबों के साथ, वो तो सर जो हो रहा है वो सबको दिखता है सर। हाँ गरीबों के साथ नाजायज है, गरीब आदमी अगर वहाँ पे कोई थोड़ा सा कुछ फेंक दे या कुछ कर दे तो उठा भी लेता है, और अमीर आदमी तो कूड़ा भी रास्ते में फेंक देगा तो उठाएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन गरीबों के साथ सरेआम अन्याय हो रहा है, और इस बार जो है जितने रेड़ी वाले किसी रेड़ी वाले से पूछ लो इनके साथ क्या हुआ है पूरा सीजन, तो क्या बेचेंगे जब उनका रेड़ी पलट दिया जाता है तो मार्केट में सौदा इसलिए उठाओ कम हो जाता है। हाँ जी सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म का नाम बता दीजिए सर। हमारा नंबर जग्गी टमाटो एजेंसी है, गिरीश सिंह बोल रहा हूँ मैं, और मोबाइल नंबर है 8 9 2 9 4 6 2 1 2 1।
सर अपना सप्लाई भी दे देते हो? सप्लाई हम लोग नहीं देते, यहीं बेचते हैं। व्यापारियों का माल आता या किसान का माल आता, हम लोग यहीं बेचते हैं और उधारी हमारा सबका जाता है, लेकिन जो कस्टमर को नुकसान होता है तो हमारी ही पेमेंट रुकती है और हम आगे की पेमेंट किसान या व्यापारी का रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें हमेशा व्यापार करना है। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। ओके सर। दोस्तों, दुकान नंबर 39 है, सर के पास जो है लगभग सब्जी बिक चुका है, बाकी अभी जो है फिलहाल बचा हुआ है शिमला, कुंदरू और गवार फली है सर के पास। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, शिमला क्या रेट बिक रहा है सर आज? 28 रुपए। सर जी, अभी आकर के गाड़ी लगा आपके पास? गाड़ी अभी लेट लगी है। लेट लगी है, अच्छा जी। इससे पहले तो था सुबह में, सर सुबह में क्या कुछ बिका सर रेट? सुबह यही भाव 28-30। 28-30 सुबह में डाल, अच्छा जी। और ये कुंदरू? कुंदरू 15 रुपए। और सर इसके अलावा और क्या क्या था आपके पास? ककोड़ा है, शिमला मिर्ची है, बीन है, ग्वार है। सर ये गवार क्या रेट बिका सर? 25 रुपए किलो। और बीन क्या रेट बिका सर? बीन बिकी 40 रुपए। 40 रुपए। और ककोड़ा? 25 रुपए। 25 रुपए। आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा सर? 80-76-22-86-74। ओके जी, धन्यवाद। दोस्तों, दुकान नंबर 33, आज जो है इनके पास गाड़ी नहीं लगाया, कल वाला ही बैलेंस माल पड़ा हुआ है, बाकी आज का रेट जानते हैं, क्या रेट बिका? क्वालिटी देख लो, और ये वाला भी है, गंजे वाला भी है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, ये वाला जो क्वालिटी है क्या रेट बिका सर? ये 400 रुपये, 450 रुपये। 400-450। हाँ जी। और कल इसी का रेट क्या था सर? कल 500 रुपये था। 500 रुपये, 50 रुपये डाउन जा रहे थे। हाँ, 50-100 रुपये। अच्छा, ओके। भर्ते कितने हैं सर? और ये 60 किलो, 55 किलो। 55-60। और ये वाला? ये 250 रुपये का है। 250 रुपये कट्टा। हाँ। वजन इसमें भी सेम है? 60-65 किलो। 60-65 किलो। दोस्तों, क्वालिटी देख लो अपने हिसाब से, बाकी यहाँ पे देख करके ले जा सकते हो आप। सब्जी वाले 34 नंबर के कॉन्टेक्ट नंबर 99-90-38-91। दोस्तों, आज जो है भरता बैगन 18 रुपए किलो बिका है, कम से कम इसमें आधा कट्टा लेना पड़ेगा आपको, आधे कट्टे में वही रहता है 15-16 किलो वजन रहता है, और पूरे कट्टे में रहता है 30-35 किलो। भाई साहब नंबर। दोस्तों, हल्के वाला घिया जो है 100 रुपए का 2 पन्नी बिक रहा है, एक पन्नी में वही 20-25 किलो वजन रहता है। दोस्तों, अरबी 70 किलो का कट्टा 200 रुपए, 200 रुपए का कट्टा बिक रहा है, 70 किलो वजन निकलेगा। 80 किलो का बोला 200। दोस्तों, आज बिन से बिका है 30-35 रुपए सुपर क्वालिटी, वो हल्के वाला बिका है 25-30 रुपए तक, और सेम बिका है सुपर क्वालिटी में 35-40 रुपए किलो। दोस्तों, लोबिया 25 रुपए किलो बिक रहा है, कम से कम इसमें एक पल्ली लेना पड़ेगा आपको, इसमें करीब 30-35 किलो वजन रहता है पल्ली में। दोस्तों, फूलगोभी लाहौल स्पीति वाला, ये सुपर क्वालिटी में बिका है 35 रुपए, 30-35 रुपए, और हल्के वाला बिक रहा है अभी, ये वाला क्वालिटी, ये बिक रहा है 20-25 रुपए किलो। दोस्तों, दुकान नंबर 23, आज जो है इनके पास मटर नहीं आया है, गोभी आया हुआ है, बाकी जानते हैं गोभी का रेट और मटर का भी जानेंगे जो क्यों नहीं आया आज। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर जी, गोभी क्या रेट बिक रहा है सर? गोभी भाई साहब जैसी गोभी वैसा भाव। अच्छा, क्वालिटी के हिसाब से रेट है? जी जी। क्या कुछ बिक रहा है सर ये समय? 350-300 रुपए बिक रही है। 300-350 रुपए। और इसी में सर सुपर क्वालिटी? सुपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो 400 बिक गई। 400 रुपए। कहाँ का सर ये गोभी? ये पुष्कर राजस्थान का। पुष्कर राजस्थान का है। वजन? वजन इसमें पत्ते काट के 10-11 किलो। पत्ते काट करके 10-11 किलो। पत्ते समय सर? 25-22 किलो। सर आज मटर क्यों नहीं आया सर आपके पास? मटर भाई साहब यहाँ उठान कम है, यहाँ मद्दी ले रहे हैं लोग, और पीछे तेज है भाई साहब।
पीछे से तेज है, यहाँ पे जो केसरपुर मंडी के अंदर उठान कम है। हाँ उठान कम है। तो अब कब आएगा सर मटर आपके पास? मटर आ सकती है, कल भी आ सकती है, कोई बात ऐसी है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा सर? 88 10 20 66 69। धन्यवाद दोस्तों। बारीक वाला घिया, जो पतले वाला घिया आता है, आज 300 रुपये पन्नी बिक रहा है। आज जो है कई सब्जी में रेट उछाल देखने को मिल रहा है, रेट अच्छा है आज मंडी में। दोस्तों बारिश होने से कई सब्जी का गाड़ी नहीं आ पाया मंडी में, जिसके कारण रेटों में कुछ उछाल आया है, रेट अच्छा मिलने लगा है आज। दोस्तों आज जो है केला आज बिक रहा है 11 रुपये किलो। केले का जो है मंडी के अंदर आज दो गाड़ी आया हुआ है, बाकी आगे भी एक लगता है, देखते हैं उनके पास आया कि नहीं आया। बाकी यहाँ पे जो है 20 नंबर टीए पे केला 11 रुपए किलो बिक रहा है। दोस्तों स्वीट कॉर्न आज जो है 20 रुपए 22 रुपए कट्टा बिक रहा है, इसमें वजन निकलेगा आपका 30 किलो 28 किलो। दोस्तों ये वाला अरबी जो है ये 5 रुपए किलो बिक रहा है, साइज के अकॉर्डिंग भी इसका रेट रहता है अरबी का, छोटा साइज बड़ा साइज, बाकी जो माल जिस दुकान पर बैलेंस रह जाता है उस पर सस्ता भी मिल जाता है। दोस्तों दुकान नंबर 16 सर के पास जो है आपको अदरक मिर्ची और लहसुन ये सब कुछ मिल जाता है, बाकी आज जानेंगे सर के पास कौन कौन सा माल आया हुआ है। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, आज जो है अपने पास मिर्ची क्या रेट बिक रहा है सर? आज मिर्ची बिक रहा है 10 से 15 20 रुपए। 20 रुपए हाईएस्ट? हाईएस्ट सुपर माल। अच्छा जी। और नीचे से नीचे 10 रुपए? 10 रुपए। और अपने पास और क्या क्या आया हुआ है सर? हमारे पास है सीताफल है। सीताफल क्या रेट है सर? सीताफल बिक रहा है 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए। 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया सुपर 10 रुपए है, उससे कम है 9 रुपए 8। एक सफेद वाला भी आया था वो बिका है 21 22 रुपए। सफेद वाला। उसमें और इसमें क्या फर्क रहता सर? वो वैरायटी अलग है, उसका बनता है पेठी मिठाई। अच्छा मिठाई वाला जो आता है? मिठाई वाला। ओके जी। और लहसुन सर? लहसुन बिक रहा है 40 45। 40 45 रुपए। इससे और सुपर क्वालिटी था 50 55 वाला बिक गया। ओके जी। और अदरक सर? अदरक नया वाला है 25 रुपए बिक रहा है, 20 से 25 है। 20 से 25 नया वाला। ओके। पुराना नहीं आ रहा सर अभी? पुराना खत्म हो गया, रात को आया था। पुराना बिका है 50 55 रुपए। और नींबू सर आज नींबू आया? आज नहीं आया नींबू। ये अपना मिर्ची का क्या सर? मिर्ची 20 रुपए से लेकर 10 रुपए तक है। कहाँ का है सर जी ये मिर्ची? बुल्डाना। बुल्डाना क्यों? ये इंदौर है। तो ये वाला इंदौर है? ये 10 रुपए बिक रहा है। इंदौर 10 रुपए चला था। सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा? 7701983902। ओके धन्यवाद। दोस्तों चुचू बैगन आज जो है 100 रुपए पन्नी बिक रहा है आज चुचू बैगन। इसमें जो है वजन करीब आपका 30 किलो 35 किलो रहता है। 26 किलो। भाई आज जो है खीरा क्या रेट चल रहा है? खीरा 8 रुपए किलो। 8 रुपए। बैगन बैगन दोस्तों देसी खीरा बारीक वाला जो है 8 रुपए किलो बिक रहा है, मंदा देखने को मिल रहा है खीरा आज। पहले जो था यही खीरा 10 रुपए 12 रुपए किलो बिकता था। दोस्तों आज जो है लगभग रेट अच्छा ही देखने को मिला, और माल भी जो है सभी आरट में लगभग काफ़ी माल खत्म हो चुका, क्योंकि गाड़ी भी है, गाड़ी भी आज कम आया हुआ है सब्जियों का, पीछे से ही मतलब गाड़ी नहीं आ रहा है। दोस्तों मूली आज जो है मंडी के अंदर 15 रुपए किलो बिक रहा है, ये अजमेर का है, मूली अजमेर से आया हुआ है, ये अजमेर राजस्थान। दोस्तों ये हरे वाला प्याज रात को बिका है 30 रुपए 25 रुपए किलो, और अभी जो है इसका क्वालिटी थोड़ा हल्का हो चुका है तो रेट भी डाउन हो गया है, 20 रुपए बिक रहा है अभी। दोस्तों हाइब्रिड खीरा मीडियम साइज का ये बिक रहा है 5 रुपए किलो, इसके पन्ने में वजन रहता है करीब वही 20 किलो 25 किलो वजन रहता है। दोस्तों करेला सुपर क्वालिटी में बिका है 14 रुपए 15 रुपए किलो, ये जो है थोड़ा क्वालिटी सेकंड हो चुका है, ये 10 रुपए किलो बिक रहा है, पन्नी में वजन निकलेगा करीब आपका 30 किलो 35 किलो।
50 रुपए पन्नी। दोस्तों ये जो है मोटे साइज वाला भिंडी ये 50 रुपए पन्नी बिक रहा है। ये इसमें वजन निकलेगा आपका 15 किलो 18 किलो। और जो बारीक वाला आता है भिंडी जो छोटे साइज का आता है वो बिका है आज 15 रुपए किलो, और सॉरी 7 रुपए 8 रुपए किलो बिका है बारीक वाला जो भिंडी आता है मीडियम साइज का। 50 रुपए पन्नी। दोस्तों मोटी मिर्ची अचारी मिर्ची आज जो है 6 रुपए किलो बिक रहा है मोटी वाली अचारी वाली मिर्ची। दोस्तों दुकान नंबर 7 सर के पास जो है हाइब्रिड टमाटर है बॉम्बे वाला। बाकी अभी पता करते हैं बॉम्बे के अलावा और कौन कौन सा माल है इनके पास। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी आपके पास अभी तो है फिलहाल बॉम्बे वाला टमाटर, इसके अलावा कौन कौन सा आया था? देसी आई थी औरंगाबाद की, बेंगलोर गाड़ी थी, दोनों बिक गई है। अच्छा औरंगाबाद क्या रेट बिका सर? सुपर क्वालिटी और हल्के में? औरंगाबाद बढ़िया से बढ़िया बिका 250 रुपए, बेंगलोर बिका 300 साढ़े 300 रुपए। सुपर क्वालिटी? हाँ सुपर क्वालिटी। और दोनों का सर हल्के में भी बता दीजिए। हल्का से हल्का 200 बिका है औरंगाबाद, बढ़िया से बढ़िया बिका 250 रुपए। बेंगलोर का हल्का से हल्का बिका है 300 रुपए, बढ़िया से बढ़िया बढ़िया 350 रुपए। ये नासिक का माल है बिक रहा 250 रुपए। ये नासिक? हाँ हाइब्रिड। हाइब्रिड नासिक का है। अच्छा ये बिक रहा 250 रुपए। सुपर क्वालिटी 250? सुपर क्वालिटी 250 रुपए। हल्का वाला सर? हल्का वाला तो मतलब समझिए खाली किराया बढ़ा जा रहा है उसका, 150 180 बिक रहा है वो। 150 रुपए? 150 180। और इसी में जो गोली वाला आता है सर छोटे साइज में वो क्या रेट? गोली इस समय नहीं आ रही है क्योंकि गोली का किराया नहीं बढ़ा पाएगा। अच्छा किराया बढ़ा ही महंगा लग जा रहा है। हाँ किराया बढ़ा ही रह जाएगा। अच्छा जी सर और भी आता है आपके पास खर्चा? ये अपने पास हिमाचल वाला भी माल आता है? हाँ हिमाचल वाला माल आता है अपने पास। अच्छा हिमाचल हिमाचल वाला कितने दिनों में आता है सर? हिमाचल वाला भी जो जैसे उसका रूटीन होता है, एक किसान एक दिन तोड़ते हैं एक दिन नहीं तोड़ते हैं, एक दिन छोड़ के माल आता है तो वो बिकता है लगभग आज बिका 350 से लेकर 500 रुपये तक। हाँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बिल्कुल टॉप क्लास का रहता है। हाँ टॉप क्लास क्वालिटी होती है उसकी। सर ये मंदा होने का टमाटर इतना जो डाउन जा रहा है रेट क्या कारण है सर? मतलब कि हर चारों तरफ एरिया से टमाटर हो चुके हैं और किसानों के पास बहुत ज़्यादा माल है, पैदावार ज़्यादा है। हाँ पैदावार ज़्यादा हो गया, इस बार पैदावार ज़्यादा हो गया है तो माल को तो निकालना ही निकालना है, मंदा तेज से क्या लेना देना है, मार्केट में जो है तो है। एक गाड़ी में सर लगभग फिर भी कितना रेट टूट रहा होगा? अभी इस समय एक गाड़ी में लगभग 25,000 से लेकर 50,000 तक नुकसान है गाड़ी में। अच्छा। कम से कम भी सर उठाव का मतलब चांस है आगे? हाँ उठाव है, चांस है कि हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर उठाव हो जाएगा। अच्छा। मार्केट में अपने फर्म का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए सर। अपने फर्म का नाम है शॉप नंबर 7, फर्म का नाम है HNS हरि भाई नंद कुमार एंड सन्स। मोबाइल नंबर है 98-10-67-54-34।